सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सिवान में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज फिर चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए सिवान शहर के नगर थाना के पीछे सरदानंद बाजार में 3 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, वो पुलिस पर सवालिया निशान उठाती नजर आ रही है। कल सिवान शहर में ही 3 मकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आज फिर चोरों ने नगर थाना के पीछे 3 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज फिर चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए सिवान शहर के नगर थाना के पीछे सरदानंद बाजार में 3 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, वो पुलिस पर सवालिया निशान उठाती नजर आ रही हैं। कल सिवान शहर में 3 मकानों में चोरी की घटना को चोरों द्वारा अंजाम दिया गया था। आज फिर चोरों ने नगर थाना के पीछे 3 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। सामान में तो छोड़ा मड़ गया है, लेकिन पैसा बता रहे हैं कि 4-5 हज़ार रुपया था। और तो अभी तो एक दुकान नहीं खुला है, उसके बाद में देखा बता देंगे। सर कहाँ का मामला है और क्या कुछ पता चला, कितने दुकान में हुआ है? 3 दुकान ताला तोड़ा गया है, जिसमें दो चेक कर लिया है, वो कभी आ रहे हैं बाद में बता देंगे। हाँ तो क्या देखेंगे बतलेंगे क्या हुआ उसमें। कपड़ा दुकान कौन सी दुकान है? दो किराना का, एक कपड़ा का। दो किराना का, एक कपड़ा का दुकान है, इसके बाद में बताया जाएगा। यहाँ पर दुकान रात में बंद थे, लॉकडाउन चल रहा है, और यहाँ पर पूरा गल्ला शटर पीछे से तोड़ कर और गल्ला उठा ले गया, और हॉर्लिक्स भी था और बिस्कुट भी था उसमें, तो और झोला का पूरा मैंने गल्ला वाला तोड़ कर लेकर चला गया। क्या नाम है दुकान का, लगभग कितना का? बबलू किराना स्टोर। लगभग कितना का गया कुछ पता चला? लगभग मेरे 5-7 हज़ार रुपया था उस पर। और क्या कुछ पाया गया दुकान में? एक ओनली दुपट्टा पाया गया, जो लगता है कि लेडीज का छुटा हुआ है, लेडीज भी इसमें गैंग में भी शामिल। लगता है कि लेडीज भी शामिल, दुपट्टा मिला। हाँ, लेडीज भी इसमें शामिल। अपना नाम बताइए। बबलू प्रसाद। वही सामान वामान था गला में, थोड़ा 5-10 हज़ार रुपया सब ले गया है, और थोड़ा बहुत सामान ले गया है। कैसे दुकान टूटा है? शटर में ताला काट करके। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई थी। पता चला है क्या कुछ चोरी हुआ है? हाँ हाँ। क्या कुछ चोरी हुआ है? वही सरफ साबुन। कितना का लगभग गया होगा? वह 5-10 हज़ार का। क्या नाम है दुकान का? शर्मा प्रसाद। अपना नाम बताइए। वह पूरा वही नाम है, शर्मा प्रसाद। वह कुछ भी नहीं है, यही जो खोला है इन्वर्टर बैटरी खोला हुआ है, कपड़ा कुछ ले गया था। पैसा वैसा? पैसा वैसा तो नहीं ले गया, पैसा गला में नहीं रहता है। लमसम कितना का क्या चोरी हुआ होगा? देखने बाद पता चलेगा। कैसी का दुकान है? कपड़ा का दुकान है। क्या नाम है? संजीव कुमार। कपड़ा का दुकान का क्या नाम है? राजू गारमेंट। अपना नाम बताइए। संजीव कुमार। कहाँ पे दुकान है? श्याम प्लाजा मार्केट। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो JEE, PMT, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई, तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, DAV कॉलेज मोड़ सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने JK कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ JEE और NEET के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है, और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं।
चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।